बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम लोग सिमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते रहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पहले पढ़ा था सिमेट्री एंड स्क्यूनेस, तो आप लोगों ने देखा था कि ये जो इस तरह की हमारे पास शेप होती है, इसे हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल शेप। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बेसिकली हम लोगों ने ये सिमेट्रिकल कर्व बनानी होती है। और जब हम लोगों ने इसको पढ़ा था चैप्टर नंबर 7-8 के अंदर, तब हम लोगों ने ये जो कर्व बनी हुई है ना, इसको फ्रीक्वेंसी कर्व का नाम दिया था। जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इस कर्व का नाम होता है फ्रीक्वेंसी कर्व। जबकि जब हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये जो कर्व हमारे पास होती है, ये हमारे पास होती है प्रोबेबिलिटी कर्व। मतलब एक्स की हर वैल्यू के लिए क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी, उसके मुताबिक हम लोगों ने इसको बनाना होता है। तो ये हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी कर्व बन जाती है और ये एक सिमेट्रिकल कर्व है, तो इसलिए इसके सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, या इसको बेल शेप्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जा सकता है। तो अगर आपसे कहते हैं सिमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बेल शेप्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी एक ही बात है। अब आप लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना हो, आप लोगों ने सबसे पहले ये कर्व बना लेनी है अपने पास, सिमेट्रिकल कर्व बना लेनी है। जैसे ही आप ये सिमेट्रिकल कर्व बनाएंगे ना, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होता है। अब इस कर्व के अगर हम लोग एरिया की बात करें, तो इस कर्व का जो टोटल एरिया होता है ना, वो टोटल प्रोबेबिलिटी के इक्वल होता है, और सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इसका एरिया 1 के इक्वल होगा। इस टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोबेबिलिटी कर्व है, इसका एरिया 1 के इक्वल होता रहता है। और अगर इसकी रेंज की बात करें, तो देखिए मैंने इसको लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड से एक्स एक्सिस के साथ टचिंग किया, तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है हमारे पास वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी होती है। तो ये आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कर्व की रेंज क्या होती है, तो आपने बताना है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और अगर आपसे एरिया की बात की जाए कि प्रोबेबिलिटी कर्व का एरिया कितना होता है, एरिया अंडर द प्रोबेबिलिटी कर्व इज 1। जब इसको हम लोग टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब बिल्कुल सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो सेंट्रल लाइन से लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमारे पास 0.5 और राइट हैंड साइड पर भी हमारे पास 0.5। जब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो टोटल कितना बन जाएगा हमारे पास, ये 1 के इक्वल हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी कर्व की किसी एक हाफ साइड का एरिया 0.5 के इक्वल होता है। मतलब ये 0.5 आप ऐसे समझें जैसे ये 50% प्रोबेबिलिटी को शो करता है, कि 50% प्रोबेबिलिटी इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर और 50% प्रोबेबिलिटी इसकी राइट हैंड साइड पर पाई जाती है। सिमेट्रिकल कर्व होने की वजह से आप लोगों ने पढ़ा था कि सिमेट्रिकल कर्व में मीन, मीडियन, मॉड एक दूसरे के इक्वल होते रहते हैं, और वो हमेशा सिमेट्रिकल कर्व की सेंट्रल लाइन के ऊपर होते हैं। तो यहां पर इसकी सेंट्रल लाइन के ऊपर इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आपको मीन नजर आएगा, जिसे हम लोग डिनोट कर रहे होते हैं म्यू के साइन के साथ। मीन को डिनोट किया जाएगा म्यू के साइन के साथ। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं वो म्यू, मतलब मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड सिग्मा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो चीजें आपको गिवन होंगी, मीन वैल्यू एंड सिग्मा। ऑलराइट, अब अगर आप लोग देखें इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में आप लोगों ने स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल को फाइंड करना होता है, स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल फाइंड करना होता है, जिसको डिनोट किया जाता है जी के साइन के साथ। और इसका फार्मूला हमारे पास होता रहता है एक्स, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, रैंडम वेरिएबल, माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जब हम लोग सेंट्रल पोजीशन पर होते हैं, तो सेंट्रल पोजीशन पर आपको जी की वैल्यू हमेशा जीरो के इक्वल मिलेगी। सेंट्रल पोजीशन पर आपके पास
जी की वैल्यू हमेशा जीरो के इक्वल, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पर जी हमेशा नेगेटिव एंड राइट हैंड साइड पर जी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती रहती है। अब अगर आप लोग देखें, हमारे पास ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का होता है। एक हमारे पास आता है स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा होता है हमारे पास नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इनमें सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इनमें डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर की वैल्यूज का है कि अगर पैरामीटर की वैल्यूज में, जैसे हमारे पास दो पैरामीटर थे म्यू एंड सिग्मा, अगर म्यू की वैल्यू हमारे पास हो जाए जीरो और सिग्मा की वैल्यू हो वन, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब भी क्वेश्चन में आपसे कह दे इन अ स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो अब उसे आपको पैरामीटर्स बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड में पैरामीटर्स हमेशा या आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। म्यू की वैल्यू को जीरो एंड सिग्मा की वैल्यू को वन कंसीडर किया जाता है। अब जब आप लोग जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए जाएं और इधर एक्स माइनस जीरो डिवाइडेड बाय वन करें, तो देखिए आपको z की क्या वैल्यू मिल जाएगी, z की क्या वैल्यू मिल जाएगी, x के इक्वल होगी। तो स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर z ऑलवेज इक्वल टू x, जिसकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं वही आपके पास z की वैल्यू होता है। जबकि नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर म्यू जीरो और सिग्मा वन के अलावा कोई भी और वैल्यू होती है, और कोई भी और वैल्यू आपको हमेशा बताई जाएगी क्वेश्चन। फिर आपने क्या करना होगा, जी फाइंड करने के लिए वो जो भी वैल्यूज आपके पास हो आपने इधर पुट करनी है, और उनकी मदद से आप लोगों ने जी की वैल्यू को डिटरमिन कर लेना है। जहां तक बात क्लियर है। अब अगर आपके पास एक्स की वैल्यू जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपने, वो आपको यहां पर कहीं मिलता है लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ऐसी सिचुएशन में जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। लेकिन अगर ये x की वैल्यू आपको यहां से इधर मिल जाती है, मतलब म्यू की वैल्यू के राइट हैंड साइड पर, तो ऐसी सिचुएशन में आपको z की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं इनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की तरफ, कि हम लोगों ने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि भाई नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी नहीं बताती। जैसे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में होता था ना, एग्जैक्टली इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी आप लोग फाइंड कर लेते थे, कि हम लोगों ने कॉइंस को टॉस किया, हम लोगों ने कहा कि हमने 5 कॉइंस टॉस किए, एग्जैक्टली 3 हेड्स अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड हो सकती है बाइनोमियल के अंदर। इसी तरह जब हम लोग सिलेक्शन करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि आपने 4 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप सिलेक्ट करना है जिनमें एग्जैक्टली 3 बॉयज होने चाहिए, एग्जैक्टली इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड हो सकती है। लेकिन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इज एग्जैक्टली इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 के बराबर होती है। जब भी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपसे कह दें कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 बताएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 15 बताएं, तो आपने उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बता देनी है, 0। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें जो प्रोबेबिलिटी बताती है वो एक रेंज की प्रोबेबिलिटी बताती है, रेंज स्मॉलर वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू तक की रेंज, या माइनस इनफिनिटी से एक्स तक की रेंज, या एक्स से प्लस इनफिनिटी तक की रेंज, इस तरह की कोई वैल्यू बताती है। मतलब जैसे अगर आपसे कह दिया जाए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अब ग्रेटर देन इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब यहां पर आप 5 कंसिडर करते हैं, आपसे कह रहे हैं 5 और उससे ज्यादा की प्रोबेबिलिटी बताओ, भाई कितना ज्यादा, अप टू इनफिनिटी, ऑल राइट, ये प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड करके दे सकते हैं क्योंकि ये एक एरिया हमारे पास आ जाता है। इसी तरह अगर आपसे कह रहे हैं एक्स लेस देन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मीन्स अगर यहाँ पे 5 लगा दो, तो कहते हैं 5 और उससे कम की प्रोबेबिलिटी बताओ, भाई कितना कम जाए, उसने ये तो बताया ही नहीं है, तो माइनस इनफिनिटी तक की प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने बतानी होगी। या फिर आपको रेंज बता दी जाती है, आपसे कहा जाता है कि आपने 3 से लेकर 8 तक की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तब भी हम लोग फाइंड करके दे सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं कर।
इसमें हमेशा लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, या ये एक स्पेसिफिक रेंज की प्रोबेबिलिटी बताई जा सकती है। ये बात क्लियर है सब बच्चों को? अब चलते हैं इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। बहुत सिंपल है ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए। अभी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखिएगा इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रीवियस लेक्चर में एग्जाम क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब आप लोगों ने जाकर क्वेश्चन नंबर 14, 15 या ऑनवर्ड हमारे पास नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन है। अब अगर आप लोग यहाँ पर गौर करें ना क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 में, तो ऊपर आपसे सिर्फ इतना कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जी विल बी। तो मतलब यहाँ पर आपने म्यू को कंसिडर कर लेना है अपने पास, म्यू इज इक्वल टू जीरो, एंड सिग्मा को आप लोगों ने कंसिडर कर देना है। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो देखिए ये नॉन स्टैंडर्डाइज्ड है, तो उसने आपको यहां पर देखिए मीन की वैल्यू बता दी, होती स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी आपको बता दी कि 15 है। स्टैंडर्डाइज्ड में उसे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नॉन स्टैंडर्डाइज्ड होगा तो आपको पैरामीटर्स की वैल्यूज खुद बताएगा और फिर वो आपसे डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज फाइंड करवा देता है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जब आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 इजीली सॉल्व हो जाएगा। मेथड सबका सेम है, सिर्फ पैरामीटर की वैल्यूज का फर्क था। अब जैसे ही आपने देखा कि आपके पास नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको क्वेश्चन से पता चला, और आपने प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी हो, तो आपके पास सबसे पहला काम होता है सिमेट्रिकल कर्व बना लेना। तो आपने सबसे पहले सिमेट्रिकल कर्व अपने पास बना लेनी है। इधर ये सिमेट्रिकल कर्व बना लेने के बाद आपने सेंट्रल लाइन को आइडेंटिफाई किया, और ये जो सेंट्रल लाइन है आप लोगों के पास, ये बेसिकली उसके मीन की वैल्यू है। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर रहा होता तो यहां पर जीरो मैं पुट कर देता, लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 के लिए मैं यहां पर कौन सी वैल्यू पुट करूंगा? अब 100 से स्मॉलर वैल्यूज जितनी भी होंगी वो सारी लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएंगी, और 100 से ग्रेटर वैल्यूज सारी की सारी इसकी राइट हैंड साइड पर आ जाएंगी। अब आप लोग गए क्वेश्चन ए पार्ट सॉल्व करने की तरफ। तो यहां पर देखिए किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 92.5। बताएं 100 से पहले है या 100 के बाद है? पहले। तो आपने ना एक लाइन और ड्रॉ करनी है। अभी ये जरूरी नहीं है कि आप मेजरमेंट करने बैठ जाएं कि 92.5 कहां पे बनता है, मतलब एक स्पेसिफिक स्पेस देने के बाद आपने यहां पर अपने पास लिख देना है 92.5। ये आपके पास है एक्स की वैल्यू जिसकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, आपने एरिया आइडेंटिफाई करना है कि आपने कौन से एरिया की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहां पर आपको क्या बताया गया, साइन क्या है हमारे पास, तो लेस देन इक्वल टू इसकी इस एक्स की लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है? लेफ्ट हैंड साइड पे सारा लेस देन इक्वल टू 92.5 है, क्योंकि अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो ये तो 92.5 से ग्रेटर वैल्यूज है। अच्छा कितना लेस देन, कुछ नहीं बताया गया, तो आपने माइनस इनफिनिटी तक इस सारे एरिया को आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। ये वो एरिया है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करके देनी है। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? अच्छा इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आप लोगों के पास, आपने z की वैल्यू को डिटरमिन करना है। तो z की वैल्यू का फार्मूला हमारे पास क्या था, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू x की वैल्यू। अब आप ये देखें x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पर है म्यू के या राइट हैंड साइड पर है? लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो z की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, नेगेटिव साइन में। ये मालूम ना भी हो तो जैसे ही आप इसको फाइंड करेंगे तो आपके पास नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। और ये देखिए आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 0.5 माइनस 0.5। अब आपने जैसे ही z की वैल्यू को डिटरमिन कर लिया, उसके बाद आप लोगों ने चले जाना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी टेबल की तरफ, और ये टेबल आप लोगों को गिवन होगा। ये देखें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन,
ये कर्व बनी हुई है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, और ये जी का फार्मूला भी लिखा हुआ है। अब यहां पर आकर आपने प्रोबेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना है। अब आप देखिए आपके पास जी की क्या वैल्यू आई थी। अच्छा, टेबल में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, रिगार्डलेस ऑफ साइन आपने आके वैल्यू को चेक करना होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपने वैल्यू के ऊपर फोकस करना होता है। तो ये जो साइन है ना, ये सिर्फ डायरेक्शन को बताता है कि हमारे पास एक्स की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पर है या राइट हैंड, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। यहां पर आपने इसको पॉजिटिव ही कंसिडर करना है। अब मेरे पास वैल्यू क्या आई है, 0.5। अब टेबल में आप लोगों ने वैल्यूज को किस तरह से देखना है, आपने सबसे पहले उठाना है अपना ये फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में डेसिमल से 1 डिजिट तक की वैल्यूज आपने इस कॉलम में ढूंढनी है। लेकिन अगर इसके साथ फर्स्ट डेसिमल से 1 डिजिट के बाद भी कोई वैल्यू हो सेकंड नंबर पे, तो वो आपने ढूंढनी है इस रो में से। मतलब मेरे पास है 0.5, क्या मैं इसको 0.50 लिख लूं? कोई फर्क इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखें आपने 0.5 को आइडेंटिफाई करना था यहां पर। अब देखिए इसका सेकंड डिजिट क्या है आपके पास, 0, तो वो 0 आपको यहां से मिलेगा। तो ये वैल्यू क्या बन गई आपके पास, ये वैल्यू आपने लेके जानी है टेबल में से। फिर से सुने, अगर ये मेरे पास होता 0.27, तो 0.2 तक मैं यहां पर ढूंढता और ये जो 7 है वो मुझे यहां से मिलता, तो ये बन जाता है 0.27 और ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, 1064, ये वैल्यू मेरे पास बन जाती। तो ये प्रोबेबिलिटी, ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज हैं। अब अगर मेरे पास यहां पर वैल्यू होती सपोज के 1.25, तो मैं 1.2 को चेक करता कॉलम में और ये 5 हम लोग उठाते रो में से। कॉलम में देखें 1.2 आपको यहां पर मिल गया, 1.2, और यहां से देखें 5, इस कॉलम से आपको मिलेगा 5, और ये वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, 0.3944। आई होप कि आपको टेबल देखना आ गया है। जी की कोई भी वैल्यू हो तो आप टेबल को इजीली देख सकते हैं। तो हमारे लिए कौन सी हमारे पास वैल्यू आ रही थी अभी के लिए, इस क्वेश्चन से रेलिवेंट हमारे पास कौन सी वैल्यू आई, 0.1915। जैसे ही आपको टेबल से ये वैल्यू मिल जाए आपने अपने क्वेश्चन के पास जाना है। और अब ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि आपके पास टेबल से जो वैल्यू आती रहती है ये हमेशा म्यू से एक्स तक की प्रोबेबिलिटी होती है। म्यू के साइन से एक्स तक की प्रोबेबिलिटी आपको टेबल ने बतानी होती है। तो ये देखें बेसिकली इस एरिए की प्रोबेबिलिटी है 0.1915। म्यू से एक्स तक की प्रोबेबिलिटी, चाहे ये लेफ्ट हैंड साइड पर हो चाहे ये राइट हैंड साइड पर। ऑलराइट, ये बात समझ आ गई। क्या उसने आपसे यही प्रोबेबिलिटी पूछी? नहीं। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 30 बॉयज हैं, और आपसे कोई ये पूछ ले कि यार गर्ल्स कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, टोटल में से बॉयज माइनस कर देंगे तो गर्ल्स आ जाएंगी। तो भाई आपके पास देखें ये हाफ एरिया किसके इक्वल होता है, 0.5। तो 0.5 में से उसने आपसे क्या नहीं पूछा, ये वाला एरिया जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे पता चल गई, तो आपने ये माइनस कर देना है 0.1915। तो इक्वल टू, अब देखें ये जो आपके पास आंसर आया 0.30, ये आपके पास पार्ट ए का आंसर आ गया है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी है 30.85%, और आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कोई इशू, कर लेंगे सॉल्व। फिर से देखें हम लोग चलते हैं जरा बी पॉइंट पर। पार्ट बी,
प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 107.5। अब आपने इसी क्वेश्चन को ही हम लोग देखते हैं जरा। अब ये वाला पोर्शन सारा कैंसल हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस। आपने बिल्कुल ऐसे ही एक मतलब फिर से सिमेट्रिकल कर्व बनानी है। अब देखिए 107.5 कहां पर आएगा, राइट हैंड साइड पर। आप यहां पर गए, आपने 107.5 लिख दिया, ये बात क्लियर। अच्छा अब उसने कौन सा साइन यूज किया हुआ है, लेस देन, कौन सी साइड बनेगी 107.5 की, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। अच्छा ये लेफ्ट हैंड साइड कहां तक, इन माइनस इनफिनिटी। तो बेटा 100 तक ना जाना, 100 तक होता तो आपको बताता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स फ्रॉम 100 टू 107.5। तो आपने इसको सिर्फ 100 नहीं लिखना, अब उसने आपसे ये वाला सारा एरिया पूछ लिया है, ये सारा एरिया, इसकी प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने आइडेंटिफाई करके देनी है। हाँ जी, इस नक्शे की समझ आ गई है। अब बात सुने, अब दोबारा से z की वैल्यू फाइंड करने के लिए जब गए, यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू, आप देखें पॉजिटिव आ गई z की वैल्यू 0.5। अच्छा 0.5 की प्रोबेबिलिटी हम पहले ही फाइंड कर चुके थे, कितनी 0.1915। जब इधर आए तो बेटा 0.1915 सिर्फ इस एरिया की प्रोबेबिलिटी है जो 100 से 107.5 तक है। उसने आपसे ये वाली प्रोबेबिलिटी पूछी है, लेकिन सिर्फ ये वाली प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, उसने आपसे ये वाला भी सारा एरिया पूछा है। तो इस सारे एरिया की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो भाई अब क्या करेंगे, 0.5 प्लस 0.19 एंड आंसर इज, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्लियर। अब आप लोगों ने मुझे पार्ट सी सॉल्व करके देना है, शाबाश, जल्दी करें पार्ट सी सॉल्व करें, बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्ट को लेके चलें। हाँ जी, अब आपके पास x की वैल्यू 124, तो 124 देखें कौन सी साइड पर, तो यहां पर आप 124 लिख दें। अब आपने एरिया को आइडेंटिफाई करना है, क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर, तो ग्रेटर देन से क्या मुराद है, अप टू पॉजिटिव इनफिनिटी, इस सारे एरिया की प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने बतानी है, ये बात क्लियर। अब क्या करना है, यहां पर आए हम लोगों ने वैल्यू फाइंड कर ली, यहां पर लिखेंगे 124, और आपके पास जो वैल्यू आ रही है z की 1.6 को जाके चेक किया आपने टेबल में, तो देखिए 1.6 आपको मिला यहां पर, तो वैल्यू आपके पास आ रही है 0.4452। तो ये जो 0.4452 है ये इस एरिया की प्रोबेबिलिटी है, 4452। आपने ये वाला एरिया नहीं बताना, तो क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, 0.5 माइनस करेंगे 0.4452 एंड आंसर इज 0.0548% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई मुश्किल हो जाएगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप लोग चले रेंज की तरफ, दी ऑप्शन। अब आपको एक स्पेसिफिक रेंज बता दी गई कि इस रेंज से इस रेंज तक की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये क्वेश्चन होगा कुछ इस तरह से कि अब आपके पास एक्स की अगर दो वैल्यूज हैं, तो बेटा जी की भी आपने दो ही वैल्यूज फाइंड करनी होंगी, हर एक्स की वैल्यू के लिए जी की अलग अलग वैल्यू फाइंड होती है। तो सबसे पहले आप एक्स की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करें, पहली एक्स की वैल्यू क्या है,
112 कौन सी साइड पे आएगा? तो आपने यहां पर आकर ना इधर ये 112 कर देना है। अच्छा दूसरी वैल्यू कौन सी है? 128.5 यहां पर आपके पास आ जाएगी 128.5। और आपसे जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वो इस एरिया के लिए प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। ओके, अब आपने 112 के लिए z की वैल्यू फाइंड की 0.8, फिर आप लोगों ने z2 फाइंड किया, ये z1 128.5 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 15 1.9। क्लियर? अब दोनों के लिए आपने प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज को डिटरमिन करना है। 0.8 के लिए देखें वैल्यू क्या आ रही है, ये 0.8 के लिए वैल्यू आ गई 0.2881। और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है 1.9, और 1.9 के लिए जो आपके पास वैल्यू आ रही है 4713। अब यहां पर गौर करें भाई, जो मैं 128.1.9 की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं ना, वो मुझे यहां से यहां तक की प्रोबेबिलिटी बता रही है, ये वाली वैल्यू, और ये क्या है 0.4713। और जो 112 के लिए है 0.8, वो मुझे सिर्फ इस एरिया की प्रोबेबिलिटी बता रही है, यहां से यहां तक इस एरिया की प्रोबेबिलिटी। और इस एरिया की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आई 0.2881। ये जो एरिया ये है 0.2881। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें 0.5 का कोई रोल नहीं है। अब यहां देखें कि भाई आपको 100 से 128.5 तक की प्रोबेबिलिटी पता है, क्या आपने ये सारी प्रोबेबिलिटी का आंसर बताना है? नहीं, आपने तो 112 से बताना है, जबकि आपको पता 100 से है। तो जो नहीं बताना, क्या उसका आंसर मौजूद नहीं है आपके पास? अब आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, 0.4713 माइनस 0.2881 इज इक्वल टू 1832। ये इसका आंसर है आपके पास। ऑल राइट, अब आप लोग मुझे जल्दी से पॉइंट ई सॉल्व करके दें, पॉइंट ई सॉल्व करें जल्दी से। अब अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखें, ई पार्ट को, तो इसने कुछ इस तरह से हमारे पास सॉल्व होना है। पहली वैल्यू है 91, तो 91 बेटा 100 से पहले आ जाएगा। 127, ये 127 हमारे पास यहाँ आ गया। तो अगर मैं यहाँ पर पहले 91 लेके चलूं, तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आ जाना है 0.6 माइनस में। और यहाँ पर अगर 127 के साथ देखें 1.8, तो 0.6 के, अब देखें 0.6 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इस एरिया के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, और 1.8 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इस एरिया के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। मैंने इन दोनों का बताना है, तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे। तो हम लोग करेंगे 0.6 की प्रोबेबिलिटी जाके हम लोग चेक करें, 0.6 की 0.225 इसमें ऐड कर देंगे 1.8 की 0.46, इन दोनों को ऐड करें तो 0.689, ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ऑल राइट, अब जल्दी से पॉइंट एफ का सॉल्यूशन, पॉइंट एफ जल्दी से,
ये देखें 76 आपको यहां पे मिलेगा, 76 से ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी, लेकिन कितना ग्रेटर, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये सारा एरिया इसकी प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने फाइंड करनी है। अब आ जाएगा 76 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे है तो वैसे भी नेगेटिव में ही जी आना चाहिए था, और ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.6। अब 1.6 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, ये देखिए ये 1.6 है और इसमें 0.5 ऐड कर लें तो आंसर आ जाएगा 0.9452। क्लियर? आई होप कि आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ चुका है। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14, ये आपकी होम असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने खुद से सॉल्व कर लेना है। और जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, 15 और 16 में कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ पर देखो तो आपको ये मीन की वैल्यू उसने बता दी। अब जहां पर पहले आप 100 पुट करते थे, वहां पर अब क्या पुट कर देंगे, 150। और स्टैंडर्ड डेविएशन, पहले जो आप 15 रख रहे थे, अब वो स्टैंडर्ड डेविएशन आप क्या रखेंगे, 20 का। अब सिर्फ फर्क यह है कि ऊपर उसने आपसे प्रोबेबिलिटीज पूछी थी, नीचे उसने आपको बताया फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिए, उसने आपको टोटल पॉपुलेशन साइज बता दिया, ये टोटल पॉपुलेशन साइज आपको क्वेश्चन नंबर 15 में नहीं बताया था। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार मेरे पास ना 50 स्टूडेंट्स की एक क्लास है, उसमें से 20% स्टूडेंट्स फेल हो गए, बताओ कि कितने स्टूडेंट्स फेल हुए, तो आप मुझे क्या आंसर करेंगे कि कितने स्टूडेंट फेल हो गए हैं। 50 स्टूडेंट्स की क्लास है और उनमें से 20% स्टूडेंट फेल हो गए हैं, तो बताएं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल हुए, 10। कैसे आपने फाइंड किया, आपने मेरी क्लास की स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया फेल होने की प्रोबेबिलिटी के साथ, आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए जो फेल हुए। यही काम आपने क्वेश्चन नंबर 16 में, आपने सेम वैसी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 में की है, सिर्फ उन एंड पे आने वाली प्रोबेबिलिटीज को, जैसे हम लोग कोई भी आंसर फाइंड करते हैं उसको मल्टीप्लाइड बाय 2000 कर दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट डेसिमल में ना बताना, तो वो आपने राउंडिंग ऑफ करके बता दें। हाँ, ऑलराइट, बात समझ आई? अच्छा, कैसे समझ आई, मुझे पता चला या नहीं चला, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बी पार्ट की तरफ। मुझे जल्दी से 16 का बी पार्ट सॉल्व करके दें, अगर इसका आंसर आप ठीक कर लेते हैं तो मतलब आप की फिर ये होम असाइनमेंट है, ए बी सी डी ये आप लोगों ने घर से सॉल्व करके लाने हैं, जल्दी करें बेटा, शाबाश। अब देखें इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करने के लिए जाएं तो आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही ये एक सिमेट्रिकल कर्व बना लेनी है अपने पास। अब x की वैल्यूज को जरा डिटरमिन करें, हमारे पास x की क्या वैल्यूज आ रही हैं, मीन वैल्यू हमारे पास आ रही है 155, x की वैल्यूज 120 130, बेटा 120 भी इसी साइड पर और 130 भी इस साइड पर, तो आपने 120 इसको नहीं लिख देना, ये 120 और ये 130 इस तरह, और आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इस एरिया की। अब इसके लिए आप लोगों ने जी की वैल्यूज को फाइंड किया, वन ट्वेंटी माइनस 100 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पे 155 आ जाएगा 100 की जगह पे, तो अब देखिए ये आंसर आपके पास कितना आ रहा है, 120 माइनस 155 डिवाइडेड बाय 20, ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बन गया, माइनस 1. अब Z2 की वैल्यू फाइंड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 130 माइनस 155 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू माइनस
1.25. अब 1.75 एंड 1.25 ये देखिए 1.2 और यहां से 5 0.3944 एंड माइनस 1.75 वो आपको मिलना था 1.7 यहां से और 5 यहां से ओके और इन दोनों का डिफरेंस आपके पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बने तो आप इन दोनों का डिफरेंस लें इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 0.06 अब देखें ना बेटा यहां से यहां तक की प्रोबेबिलिटी उसमें से ये वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो जो 130 के साथ आपको मिले 1.25 की प्रोबेबिलिटी 1.75 में से माइनस कर दो तो आपको ये आंसर मिल जाएगा और अगर प्रोबेबिलिटी होता तो यहां तक क्वेश्चन खत्म हो गया था 6.55% नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो मल्टीप्लाइड बाय 2000 तो जैसे ही मल्टीप्लाइड बाय 2000 करें एग्जैक्ट 130 बार ये इसका आंसर है ऑल राइट आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14, 15 तो हम लोगों ने यहाँ कर दिया अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 अपने पास सॉल्व कर लेना है इससे रेलिवेंट फिर अब आप लोग आ जाए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 17 से भी पहले क्वेश्चन नंबर 18 पर आए क्वेश्चन नंबर 18 बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं अब हम लोगों ने सीखना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का रिवर्सल मतलब इससे पहले आपको एक्स की वैल्यू गिवन होती थी आप प्रोबेबिलिटी बताते थे अब ये आपको प्रोबेबिलिटी बता देगा और आपने एक्स की वैल्यू को डिटरमिन करना होगा ऑल राइट हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करने लगे तो क्वेश्चन नंबर 18 को पहले से बड़े ध्यान से पढ़ें क्या लिखा हुआ है हाँ जी हाइट्स ऑफ एप्लीकेंट तो बेटा यहां पर देखो हाइट से पता चल गया कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है तो क्या बाइनोमियल लगाऊं हाइपरजोमेट्रिक पॉइजन कौन सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होना है क्लियर हाइट्स ऑफ एप्लीकेंट टू द पुलिस फोर्स और तो यहां पर उसने बता भी दिया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेकर चलो और उसमें उसने आपको अब ये बात ना होती ना तो मैंने इसके पैरामीटर से इसको पहचानना था कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स हैं ओके तो म्यू की वैल्यू आपको क्या मिली यहां पर तो आपने यहां पे तो 170 लिख दिया फिर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3.8 फिर कहते हैं 30% applicants are rejected because they are too small. मतलब हाइट के कम होने की वजह से पुलिस फोर्स में रिजेक्शन हुई है हाइट के ज्यादा होने पर रिजेक्शन नहीं होती क्लियर तो हाइट के कम होने पर रिजेक्शन नहीं तो आपसे पूछ रहे व्हाट मिनिमम हाइट इज एक्सेप्टेबल फॉर द पुलिस फोर्स और अब आपने ये बताना है कि पुलिस फोर्स के लिए एक्सेप्टेंस के लिए आपके मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए जैसे आपको कोई टेस्ट होते हैं ना आपसे कहा जाता है भाई 50% वाला पास है अब ये अलग बात है हमारा जो पेपर है 100 मार्क्स का है तो आप कहते हैं 50 मार्क्स वाला पास है लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई हमारे पास टोटल मार्क्स हैं एक टेस्ट के 30 उसमें से 50% वाला पास है तो आप लोग ये सोचेंगे यार मेरे पास कम से कम कितने मार्क्स आने चाहिए कि मैं पास हो जाऊं कितने 15 तो यहां पर बिल्कुल ऐसे ही क्या उसने पूछा है कि भाई आपकी हाइट कम से कम कितनी होनी चाहिए कि आप रिजेक्ट ना हो मुझे बताएं जो रिजेक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है या राइट हैंड साइड पर है तो ये हमारे पास ये टाइमलाइन एक्स एक्सिस लेफ्ट टू राइट वैल्यूज इंक्रीज हो रही है मैं राइट हैंड साइड का 30% नहीं ले सकता वहां पर तो हाइट सबसे ज्यादा रखी हुई है
और वो थोड़ी ना रिजेक्ट में, कौन से वाले रिजेक्ट में है? तो लेफ्ट साइड वाले, ये टोटल एरिया कितना है? 0.5 मतलब 50%, इनमें से 30% पीपल रिजेक्ट हुए, तो ये है 0.3 या 30%। ऑल राइट। अब यहां पर है एक्स की वैल्यू जो मैंने डिटरमिन करके देनी है। ये बात आपको समझ आ गई? ये बात क्लियर है? अब आना है आपने जी के फार्मूले पर। जी का फार्मूला क्या था? एक्स माइनस डिवाइडेड बाय। अब यहां पर अगर आप लोग देखें, ये बात कंफर्म हो गई कि अगर एक्स लेफ्ट हैंड साइड पर है तो जी की वैल्यू माइनस में आएगी, लेकिन 0.3 बेटा प्रोबेबिलिटी है, जी की वैल्यू नहीं है। जी की वैल्यू फाइंड करेंगे टेबल में से, लेकिन टेबल में जाके 30% नहीं देखना। क्यों? क्योंकि टेबल ने कहा था कि भाई सेंट्रल पोजीशन से एक्स तक की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो, अगर ये 30% है तो ये वाली वैल्यू क्या है? 20% या 0.2। ऑलराइट, टेबल में इसको जाके देखा, इस एक्स की जी की वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए टेबल में आपने ये वाली प्रोबेबिलिटी जाके ढूंढनी है। अब यहां पे पहुंचे, हाँ जी बताएं, 0. कहा है ये देख रही हो? ये देख रही हो बेटा, जी की वैल्यू फाइंड करनी है। जी की वैल्यू 0.2 नहीं है, 0.2 प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, तो ये नहीं मिस्टेक कर देनी यहां पर। अब आपने आने अपने इस टेबल पर और इस टेबल के अंदर जाके ढूंढो कि 0.2 कहां पर है इस टेबल में। तो ये ना सीक्वेंस के साथ है सारी वैल्यू, तो हमें पता चला कि यार यहां से हमें क्या वैल्यू मिल गई और यहां से क्या वैल्यू मिल गई, 2019। मुझे एग्जैक्ट 0.2 नहीं मिला, मुझे 0.2 से कुछ कम वैल्यू मिल गई और 0.2 से कुछ ज्यादा वैल्यू मिल गई, जबकि मुझे क्या चाहिए था 0.2। तो ऐसी सिचुएशन में आपने जो ज्यादा क्लोज वैल्यू हो उसकी तरफ जाना है। तो ज्यादा क्लोज वैल्यू कौन सी है? देखें, इसके साथ जो डिफरेंस है वो 15 का है, इसके साथ जो डिफरेंस है वो 19 का है, तो कौन ज्यादा क्लोज है? तो मैं इसको पिक करूंगा। तो अब इसके मुताबिक जाके देखो मुझे z की क्या वैल्यू मिलेगी, 0.52। ये मेरे पास z की वैल्यू है। हाँ, वो तो x की वैल्यू पे डिपेंड करता है ना कि कौन सी साइड पर है। जो वैल्यू डिटरमिन कर लो वहां से आपने, यहां से ये, यहां से ये, रो और कॉलम की वैल्यू, फिर इन दोनों को आपस में इकट्ठा कर दिया करो, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 0.5 कॉलम से और 2 यहां से, 0.52। ऑलराइट, ये 0.52 जाकर आपने इधर पुट कर दिया, माइनस 0.52 इज इक्वल टू एक्स जो हमने फाइंड करना है, माइनस म्यू की वैल्यू गिवन है 170 डिवाइडेड बाय, सिग्मा की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 3.8। और जब इस इक्वेशन को अपने कैलकुलेटर को बताओगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, एंड एक्स इज 1.68.02। आपकी अगर मिनिमम हाइट 168.02 होती है सेंटीमीटर तो आप एक्सेप्ट है, अगर इससे कम चली जाती है तो आपके रिजेक्शन है। क्या आपको रिवर्स समझ आया? अब इसी से रेलिवेंट हम एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और वो है क्वेश्चन नंबर 17, रिवर्सल से रेलिवेंट। आपको याद होगा आप लोगों ने परसेंटाइल्स पढ़े थे, अब देखें यहां पर उसने आपको बता दिए पैरामीटर्स, मीन की वैल्यू 47.6 जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 16.2। इसी कॉन्सेप्ट को एक मतलब आप फिर से सुने,
यहां पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 47.6 मीन की वैल्यू। अब यहां पर देखें आपसे कहता है बी ऑप्शन, ए ऑप्शन बाद में करते हैं, बी ऑप्शन कहते हैं P10 मतलब 10% ऑफ द डाटा। तो 10% ऑफ द डाटा कौन से वाला होगा? ये। अगर ये 10% है तो पता है ये वाला एरिया फिर कितने परसेंट होगा? 40%। 40% को क्या लिखूं? और ये x की वैल्यू हमने फाइंड करके दे दिया। अब ये x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब z की वैल्यू का होना जरूरी है। z की वैल्यू के लिए टेबल में कौन सी वैल्यू जाके ढूंढूं? 0.4 के लिए हम लोग गए तो देखें 0.4 आपको कहां पे मिल रहा है? आपको आपको यहां पर देखें वैल्यू एक मिलेगी 0.3997 और दूसरी वैल्यू 0.40। तो देखें ज्यादा क्लोज वैल्यू कौन सी है, तो हमने इसको जाके चूज कर लिया। अब z की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 1.28। अब जब फार्मूले में हम लोग जाएंगे तो जाके अब लेफ्ट हैंड साइड पे होने की वजह से -1.28 इज इक्वल टू एक्स -47.6 डिवाइडेड बाय 16.2। अब यहां से जाके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें कैलकुलेटर की मदद से। जल्दी बताएं एक्स की क्या वैल्यू है यहां पर? एक्स इज इक्वल टू 26.8। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्या रिवर्सल क्लियर है आप बच्चों को? अब आप लोग मुझे P99 सॉल्व करके दें, जल्दी करें। अब बेटा P99 के लिए जब आप लोग गए ना तो देखिए भाई 99% कहां पर आपको जाके मिलेगा? ये देखें यहां पर, ये P99 यहां पे जाके बनेगा। इससे पहले 99% है तो भाई 50% तो आपको यहां पर मिल गया। तो ये वाला एरिया कितना होगा? 49। क्लियर, मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए थी 0.49। ये 0.49 जाकर हम लोग ढूंढेंगे। हाँ जी, कहां पे मिला 0.49? ये देखें 0.4901 एंड 0.48। तो कौन ज्यादा क्लोज है 0.49 के? ये 1 डेसिमल है, ये 2 है, तो 0.4901 ये ज्यादा क्लोज है। तो यहां पे z की क्या वैल्यू? 2.33। अब जाके 2.33 पुट करेंगे, क्या नेगेटिव में लिखें इसे? पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू राइट हैंड साइड पर है। अब जाकर आपने जब x की वैल्यू फाइंड की तो आंसर आ गया 85.3। ओके, क्लियर हो गई बात? क्लियर है ये बात? अब आप लोगों ने कुछ देर पहले जब प्रोबेबिलिटीज फाइंड की, सिंगल x की वैल्यू के लिए भी प्रोबेबिलिटी फाइंड की, लेकिन जब एक रेंज गिवन होती थी तब भी तो आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे थे ना, ऐसे ही था ना? जब रेंज गिवन थी तो x की क्या दो वैल्यूज नहीं फाइंड करनी होती थी? तो आपसे भी दो वैल्यूज फाइंड करने के लिए कह सकता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 के पार्ट ए में कहता है भाई दो वैल्यूज फाइंड करके दें, टू पॉइंट्स। और टू पॉइंट्स किस तरह से? कि उनकी जो मिडल की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होनी चाहिए? 97%। कि आपके पास x की दो ऐसी वैल्यूज हैं कि उनकी जो मिडल की प्रोबेबिलिटी है वो 97% है। अब इस चीज को यहां पर देखें बेटा, x की दो वैल्यूज हैं तो ये देखो आपने इसको x1 कंसीडर कर लेना है और इसको x2 कंसीडर कर लेना है। आपने ये दो वैल्यूज फाइंड करके देनी है और उसने कहा है कि यहां से यहां तक की जो प्रोबेबिलिटी है टोटल वो कितनी है?
और ये मिडल में है, मतलब ये नहीं है कि सारी राइट हैंड साइड की है, सारी लेफ्ट हैंड साइड की है, मिडल की है। और जब मिडल की है तो यहाँ पर इनकी प्रोबेबिलिटीज आपस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो 97% का जरा हाफ करें, तो 48.5% को हम लोग लिख लें 0.485। तो देखिए 0.485 प्लस 0.485 इज इक्वल टू 97% बन नहीं गया? तो उसने यही बात कही थी। तो जब भी आपसे मिडल की कोई प्रोबेबिलिटी कहे ना, तो उस प्रोबेबिलिटी का आपने हाफ कर लेना है। सपोज अगर यहाँ पे आपको आपसे कह देता 80%, 0.4 इधर 0.4 उधर, 60%, 0.3 इधर 0.3 इधर, क्लियर। अब टेबल में जाकर जो वैल्यू आपने ढूंढनी है वो 0.485 को जाकर ढूंढना है। जो 0.485 हमें कहां पे मिलेगा, तो 0.485 ये देखिए, ये एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई। जब एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई तो देखिए मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 2.17। ये मेरे पास जी की वैल्यू है 2.17। अब सिर्फ फर्क क्या है कि जब मैं x1 की वैल्यू पुट कर रहा हूंगा तो 2.17 के साथ नेगेटिव साइन, तो मेरे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। फाइंड करें, 82.7, तो x1 इज इक्वल टू 82, नहीं यार माइनस के साइन के साथ, आपने प्लस के साइन लिख दिया है। तो अगर प्लस के साइन के साथ चलोगे तो फिर x2 की वैल्यू आ जाएगी, और x2 की वैल्यू क्या आ रही है जी, 7.5। और x1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, नहीं 12.45। हाँ जी ओके, ये बात क्लियर है सब बच्चों को। अब आप लोगों ने रिवर्सल भी यहाँ पर कंप्लीट कर दिया आप, कि अगर आपसे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी बताकर एक्स की वैल्यू पूछता है तो आप वो भी फाइंड करके दे सकते हैं, एक्स बता के प्रोबेबिलिटी पूछता है तो आप लोग वो भी फाइंड करके दे सकते हैं। अब इन कॉन्सेप्ट्स के बाद हम लोग सीखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम में टेस्ट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर आपसे कहता है इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अब क्वेश्चन से पता चल गया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर नंबर 12 पे हम लोगों ने पहुंच जाना है। कहते हैं लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स आर रिस्पेक्टिवली 8 एंड 17, फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब अगर इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखें, हम लोग यहीं पे चलते हैं, ये देखें बेटा, आपको पता है कि ये जो क्वार्टाइल्स होते हैं ये इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं। आपके पास ये देखिए, ये होगा Q1, ये आपके पास आ जाएगा म्यू, और ये आपके पास होगा, और यहां पर Q2 भी इधर ही होगा। सिमिट्रिकल डेटा है ना हमारे पास। अच्छा आप जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात, यहां Q1 की वैल्यू उसने आपको बता दी, Q1 इज कहते यहां पर 8 है एंड Q3 इज 17। ये बात क्लियर हो गई आप बच्चों को? अच्छा मेरी बात फिर सुने, सिमेट्रिकल डाटा के अंदर जब क्वार्टाइल्स थे, आपको याद है हम लोगों ने पढ़ा था कि Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, याद है? इसी से ही तो पहचान करते थे सिमेट्रिकल डाटा की। हमने कहा था अगर ग्रेटर देन का साइन हो तो पॉजिटिवली सिक्योर, लेस देन का साइन हो तो नेगेटिवली, इक्वल टू हो तो सिमेट्रिकल। तो जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मतलब सिमेट्रिकल है, एक दूसरे के इक्वल है। अब देखिए आपको Q3 की वैल्यू बता दी उसने, 17 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q2 माइनस 8। तो क्या हम लोग यहां से Q2 की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं? Q2
अच्छा ऐसा नहीं है कि जैसे मैं 17 + 8 डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो Q2 की वैल्यू आ जाएगा, मिडल की वैल्यू है ना ये, मिडल की वैल्यू है ना, तो Q1 और Q3 की एवरेज म्यू की वैल्यू बन जाएगी। बात क्लियर? आप इसी इक्वेशन से कर लें, अदरवाइज जो इसका बेस्ट वे है ना इसका, वो यही है कि म्यू इज इक्वल टू Q1 + Q3 / 2 एवरेज ऑफ क्वार्ट अपर एंड लोअर क्वार्टाइल। और ये वैल्यू आपके पास कितनी बन गई, 12 पॉइंट। अच्छा फिर से सुनो, अब उसने कहा कि एक तो मीन की वैल्यू बता दें, तो मीन की वैल्यू क्या हमने बता दी। दूसरा उसने क्या कहा बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन बता सकते हैं हम लोग कैसे, जब क्वार्टाइल्स की बात होती है तो बेटा 25% डाटा ये होता है, 25% इधर, ये भी 25% और ये भी 25%। क्वार्टाइल्स में चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ना, तो हर पार्ट 25% का। तो आप यहां पर देखें, चाहे अब मैं स्टैंडर्ड डेविजन फाइंड करने के लिए Q1 का सहारा लूं या Q3 का सहारा लूं, Z की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आने वाला। सिर्फ फर्क किस बात का होगा, अगर Q1 लूंगा तो Z को नेगेटिव में रखूंगा और अगर Q3 लूंगा तो Z को पॉजिटिव में जाके लिख लूंगा। लेकिन Z की वैल्यू कैसे आएगी, तो बताएं ये वाला एरिया कौन सा है, 0.25। ये 0.25 आपने जाके ढूंढना है कि ये 0.25 आपको कहाँ मिलेगा, 0.25। ये देखिए 0.2486, 0.2518, तो इसमें से किस वैल्यू को चूज करूं, 2486, ये ज्यादा क्लोज है। तो यहां से वैल्यू क्या मिल रही है, 0.67। ये बात क्लियर? तो 0.67 के लिए जब यहां पे जाएंगे हम लोग क्या लिखेंगे, 0.67 इज इक्वल टू ये जी की वैल्यू। अब मैंने पॉजिटिव लिखा तो बताएं एक्स की कौन सी वैल्यू लिखूं, 17 माइनस 12.5 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। तो यहां से आपको सिग्मा की वैल्यू मिल जानी है। तो देखें सिग्मा की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, सिग्मा इज इक्वल टू जी नहीं, ये आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ गई और ये वैल्यू है आपके पास 17 - 12.5 डिवाइडेड बाय 0.67 इज इक्वल टू 6.7। क्या पैरामीटर्स फाइंड कर लिए क्वार्टाइल से? और इसी तरह से बेटा अगर आपको पैरामीटर्स गिवन हो तो आप क्वार्टाइल्स भी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आपने ना इस इक्वेशन का सहारा लेना है। वैसे मैंने आपको प्रॉपर मेथड भी बता दिया है कि बेसिकली इसके पीछे प्रॉपर मेथड ये है। अब क्वार्टाइल्स में मेरे पास जी की क्या वैल्यू होती है, क्वार्टाइल्स में मेरे पास जी की क्या वैल्यू होती है, 0.67। अगर लेकिन अगर आप लोग देखें तो मुझे एग्जैक्ट 0.25 नहीं मिला था, मुझे उससे कुछ कम वैल्यू मिली थी। तो बेसिकली ये जो है ना 0.67, इससे थोड़ी सी ग्रेटर वैल्यू है हमारे पास और वो वैल्यू है 0.6745। अगर वो एग्जैक्ट वैल्यू आप लोगों ने लिखनी हो तो वो है 0.6745। अच्छा अब आते हैं जरा इसकी इक्वेशंस की तरफ। आपने इसकी ये वाली प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये कि Q1 इज इक्वल टू, आप देखें Q1 म्यू की लेफ्ट हैंड साइड पर होगा या राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो म्यू में से आपने माइनस करना है किसको, 0.67
फोर फाइव सिग्मा को, तो आपको क्यू वन की वैल्यू मिल जाएगी। और क्यू थ्री म्यू की लेफ्ट हैंड साइड पर या राइट हैंड साइड पर? राइट हैंड, तो ऐड करना पड़ेगा। तो म्यू में ऐड करेंगे क्या चीज जो क्यू वन के लिए माइनस की थी, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। तो क्यू वन के लिए जो चीज आप माइनस करते हो, क्यू थ्री के लिए वही चीज म्यू में आकर आप लोगों ने ऐड कर देनी है और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, हमें बताया गया था कि क्यू वन की वैल्यू हमारे पास 8 है और क्यू थ्री की वैल्यू हमारे पास 17 है, और हमसे म्यू और सिग्मा पूछा गया था। हम इस रिलेशनशिप से फाइंड करके दे सकते हैं। हम क्या इस रिलेशनशिप को फिर ऐसे लिख लें, म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा इज इक्वल टू 8, राइट, एंड म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा इज इक्वल टू क्यू थ्री की वैल्यू 17। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं। सिर्फ फर्क क्या है कि हम लोग x की जगह पे यहाँ पे म्यू लिख रहे हैं और y की जगह पे यहाँ पर सिग्मा लिख रहे हैं। तो जाकर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, उसमें जो x की वैल्यू होगी आपके म्यू की वैल्यू बन जाएगी और जो उसमें y की वैल्यू होगी वो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा और वैल्यूज कुछ इस तरह से आएंगी आपके पास। ये देखें, ये सबसे इजी वे है। क्या आप लोग ये देखें इक्वेशंस में क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, म्यू को एक्स कंसीडर करना है तो इसका कोफिशिएंट 1, बी के लिए -0.6745 इज इक्वल टू 8। फिर आप लोगों ने यहां पर गए तो 1, अब प्लस के साइन के साथ 0.6745 और ये 17 इज इक्वल टू एक्स। आपके पास म्यू की वैल्यू तो देखें 12.5, तो आप लोगों ने ये 12.5 भी बताया था, और सिग्मा की वैल्यू देखें आपके पास आ रही है 6.67, तो आप लोगों ने क्या यही नहीं बताया था मुझे? ऑल राइट, थोड़ा बहुत कोई डिफरेंस था तो वो जस्ट कि हम लोग अमाउंट की राउंडिंग ऑफ कर रहे थे। यहाँ पर 6745 अप्लाई किया, वहां पे 0.67 अप्लाई कर रहे थे, इसीलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा था। अदरवाइज ये अब इसका प्रॉपर मेथड है। तो आप लोग अगर ये रिलेशनशिप याद रख लेंगे ये वाला, तो क्वार्टाइल्स देकर पैरामीटर्स इजीली फाइंड हो सकते हैं, पैरामीटर्स गिवन हो तो क्वार्टाइल्स फाइंड हो सकते हैं। बात क्लियर? Yes. तो बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आपके चैप्टर नंबर 8 स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ डेटा को मर्ज कर देना है। क्या आपको कहेगा इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन mean is this and standard deviation is this, find coefficient of quartile deviation। तो बच्चा confused हो जाता है कि ये क्या बात हो। तो वहां पर आपने ये property use करनी है, इसमें आके values put करें, Q1, Q3 मिल जाएगा। तो जब Q1, Q3 मिल गया तो आप quartile range find कर सकते हैं, quartile deviation find कर सकते हैं, coefficient of quartile deviation find कर सकते हैं। फिर कोई मसला नहीं है आप लोगों को। इसी तरह quartiles दे दें तो आप जाके पैरामीटर्स फाइंड करके कोई भी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, हो जाएगा ये काम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।